नमस्कार, आप देख रहे हैं आज भट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा के लहेरी थाना पुलिस ने रामचंद्रपुर में छापेमारी कर रिलैक्सो कंपनी के नकली चप्पल बिक्री का खुलासा किया। दो दुकानों से करीब 5 लाख के नकली उत्पाद के साथ दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में इंडिया फुटवेयर के संचालक फिरदौस और वसीम एंड ब्रदर्स के संचालक मोहम्मद वसीम शामिल है। थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि कंपनी अधिकारियों की सूचना पर कार्रवाई की गई। नकली उत्पाद के साथ दो दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है। एसएम हुसैन आईपीआर प्रोटेक्शन एजेंसी के अधिकारी सैयद मुस्कान हुसैन ने बताया कि जिले में नकली रिलैक्सो कंपनी की नकली उत्पाद बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थी। जांच में पता चला कि कई दुकानों में नकली चप्पल की बिक्री हो रही है। सूचना के बाद लहेरी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर करीब 5 लाख के नकली चप्पल बरामद करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दिनों पुलिस लगातार मल्टीनेशनल कंपनियों के नकली उत्पाद बिक्री पर नरमान का खुलासा कर रही है, जिससे धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व में सोहसराय पुलिस ने बड़ी कंपनियों के नकली उत्पाद निर्माण का खुलासा किया था। लहेरी पुलिस ने भी नकली जींस शर्ट बेचने के आरोप में दो लोगों को पकड़ा था। धंधेबाज ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर ग्राहकों को नकली उत्पाद दे रहे हैं। हमारे कंपनी को मैं रिलैक्सो फुटवेयर से हूं और हमारी कंपनी को ये पता चला था कि यहाँ बिहार शरीफ में डुप्लीकेट स्पार्क स्लीपर और स्पार्क स्लीपर बेचा जा रहा है। तो हम लोगों ने इसकी सूचना जो है SHO लहेरी थाना को दिया और फिर उसे सहायता मांग के हम लोगों ने रेड की, जहाँ हमारे कंपनी का रिलैक्सो का स्पार्क स्लीपर और स्पार्क स्लीपर दोनों ही भारी मात्रा में बरामद किया। बाजार की कीमत कितनी होगी? लाखों में है। इसकी कीमत तो लाखों में है। कितनी हिरासत मिलेगी? दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम लिखते हैं अपना? सैयद मशकूर हुसैन